प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीटा एंड गामा फंक्शन का पहला पार्ट बताया था। आज हम कुछ बचे हुए और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक इंटीग्रल है 0 टू इन्फाइनिटी की पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट देख करके तो लगा नहीं पाएंगे, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कल हमने बताया था जो ई की पावर जो भी रहेगा उसी को आप मानेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के लिए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर आपने टी रख दिया, यानी एक्स के प्लेस पर क्या हो गया अंडर रूट टी और डिवाइडेड बाई एच, डी एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन डी टी बाई टू रूट टी, और एच तो पहले से बना है। लिमिट देखिए, एक्स जीरो आप रखेंगे तो टी जीरो आएगा, एक्स को इनफाइनाइट टी इनफाइनाइट, यानी लिमिट नहीं बदलेगी। तो ये इंटीग्रल आपका जीरो टू इनफाइनाइट और ई की पावर इतने के स्थान पर माइनस टी हो गया, और dx के स्थान पर क्या हो गया dt टी बाई टू अंडर रूट टी और h, जिसमें से आपका 1 बाई टू एच तो बाहर हो गया, 0 से इनफाइनाइट इसको आपने ऊपर कर दिया, और जो अंडर रूट टी था उसको ऊपर ले गए तो माइनस हाफ हो गया। अब आप जानते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी और t की पावर n माइनस 1, इसलिए इस एक बटा माइनस एक बटा दो को हम लिखेंगे 1 बाई टू माइनस 1, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो गई गामा हाफ, और गामा हाफ आप जानते हो रूट पाई अपॉन 2h, यानी इसका रिजल्ट आएगा रूट पाई अपॉन 2h, यानी पहला ही ऑप्शन आपका ये सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 0 टू इनफाइनाइट रूट एक्स e की पावर माइनस एक्स। अब रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक लाइन का सवाल है, रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स जीरो टू रूट एक्स को क्या लिखेंगे एक्स की पावर हाफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि आपको इसमें एक जोड़कर एक घटाना है, यानी थ्री बाई टू माइनस वन कर सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स, और बाई डेफिनेशन ये हो गया गामा थ्री बाई टू। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल, गामा थ्री बाई टू दूसरा ऑप्शन है, यानी इसका बी पार्ट सही हो गया। तीसरा लिखा है गामा एन गामा वन माइनस एन, एक फार्मूला होता है गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन, इसका मान होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, जो कि एज ए फार्मूला याद रखना है, पाई अपॉन साइन एन पाई पहला ही ऑप्शन है, दूसरा गलत है। तीसरा जो लिखा है एन पाई बटा साइन एन पाई, ये भी एक फार्मूला होता है, लेकिन यहां पर गामा एन माइनस वन के बजाय गामा वन माइनस एन और गामा वन प्लस एन करके होता है, तो गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन बराबर इतना, यानी ये पहला ऑप्शन सही है। बीटा एम एन, बीटा का रिलेशन गामा से, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बीटा एम एन का मान कितने के बराबर गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, देखिए गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, यानी कि चौथे का ए पार्ट सही है। पांचवा देखें, लिखा है इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स। देखो जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, आप इसको क्या लिखोगे एन प्लस वन माइनस वन, उस हिसाब से ये तो गामा एन प्लस वन बन गया, लेकिन कोई रिजल्ट गामा में नहीं आ रहा है। हमने ही आपको बताया था कि गामा एन प्लस वन की वैल्यू एन फैक्टोरियल के बराबर होती है अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो, लिखा है n पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब आंसर आएगा n फैक्टोरियल, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही है, यानी कि d ऑप्शन आपका ये सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज, अब ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं लग सकता है, इसको भी लगाने के लिए आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इस इंटीग्रल को आप ध्यान से देखिए, इस इंटीग्रल में लिमिट 0 टू a है और यहाँ a माइनस एक्स है, यानी इसको आपको लगाना होगा सब्सिट्यूशन से। ऐसे क्वेश्चन के लिए सब्सिट्यूट आपको याद होगा, बताया गया है कि x के प्लेस पे आपको रखना होता है a साइन स्क्वायर थीटा, तो x जब रखेंगे तो dx क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा cos थीटा d थीटा। लिमिट देखिए, जब 0 रखेंगे तो साइन 0 0 माने 0 ही हो जाएगा, और a रखेंगे तो a से a कैंसिल, यानी 1 माने साइन पाई बाई 2 का मान 1, a माइनस x, a माइनस x माने a साइन स्क्वायर थीटा, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी m माइनस 1,
x के प्लेस पर आपने रखा है a sin स्क्वायर थीटा पूरे की पावर है n माइनस वन, और dx के स्थान पे क्या है 2a sin थीटा cos थीटा और d थीटा। इसमें से आपका देखिए 2 तो बाहर हो गया, a की बात करेंगे तो a यहां पे m माइनस वन है, वहां पे n माइनस वन है, एक a और भी है, यानी कि m माइनस वन प्लस n माइनस वन, तो ये दोनों हो गए, एक a माने एक और एक्स्ट्रा, तो एक चलिए मिला देते हैं, यानी m प्लस n माइनस वन। यही देख लेते हैं क्या कोई सही है, बिल्कुल देखिए पूरा और लगाने की जरूरत ही नहीं है, यही पर दिखाई पड़ रहा है कि a की पावर यहाँ m माइनस n माइनस वन है, यहाँ m प्लस n माइनस वन है, यहाँ m माइनस n माइनस वन है, और जबकि मेरे इतने में ही बिना कुछ सॉल्व किए ही m प्लस n माइनस वन आ गया, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही होगा। यानी और आगे लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो इसी पर छोड़ दें, ऑब्जेक्टिव है, फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर जो ये a की पावर है सब में एक ही जैसे होती तो आपको सॉल्व करना पड़ा, होती क्यों, देखिए यहाँ गामा एम प्लस एन, वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ यही यहाँ, इसका मतलब सब कुछ a पर ही डिपेंड था। ये क्वेश्चन आपका होगा। अगला देखते हैं, लिखा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने बताया था कि e की पावर में कभी भी एक्स स्क्वायर को ही हमेशा मानिए माना t, dx बराबर हो गया अंडर रूट t, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2 अंडर रूट t। चूंकि आपने लीनियर रखा है, लिमिट बदलेगी नहीं, 0 पर 0, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, e की पावर माइनस टी, और dx के स्थान पे क्या हो गया dt बाई 2 रूट टी, आपका 1 बाई 2 बाहर हो गया, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस हाफ होगा। अब आप जानते हो गामा के हिसाब से x की पावर n माइनस 1 होता है, यानी आपको इसे 1 बाई 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, एक जोड़कर एक घटाना, और बाय डेफिनेशन ये हो गया गामा हाफ, गामा हाफ का मान होता है रूट पाई, यानी रूट पाई बाई 2 सही ऑप्शन है। तीन चार ऑप्शन देखिए, ये सही है रूट पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 cos bx dx। देखिए इसको जो है जिसे 0 टू इनफाइनाइट लिखा है x की पावर m माइनस 1, इसको हमने जो cos bx है इसको हमने लिख दिया e की पावर माइनस i bx और dx। याद करें आपको हमने बताया है आयलर फार्मूला, e की पावर i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहां पे माइनस है तो यहां माइनस होगा, तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहां पर cos है, और जबकि ये लिखेंगे cos sin दोनों है, इसका मतलब इसके आगे मुझे लिखना चाहिए रियल पार्ट, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रियल पार्ट डायरेक्ट नोट कर लेंगे, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब ये भी याद करिए एक इंटीग्रल आपको बताया गया था पिछले ही इसी पार्ट में बताया गया था कि 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्डा वाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई बराबर कितना गामा एन बटे लैम्डा की पावर एन, तो देख लीजिए कितना हो गया, ये रियल पार्ट हम बाद में ले लेंगे, गामा एन माने हो गया गामा एम, लैम्डा लैम्डा के प्लेस पर कौन सी गिनती है देख लीजिए, लैम्डा के प्लेस पर है आई बी, यानी आई बी की पावर हो गया एम, तो गामा एम बाई बी की पावर एम तो भाई ऐसे रहेगा, आई को ऊपर ले गए यानी आई की पावर माइनस एम। अब हमको इसको लगाना होगा डिमाबर की थ्योरम के द्वारा, गामा एम बी की पावर एम, आई को आप जानते हो लिखा जा सकता है कास बाई पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, कास पाई बाई टू का मान 0, साइन पाई बाई टू का मान 1, और पूरे की पावर क्या है माइनस एम, और डिमाइबर की प्रमेय जो डिमाइबर थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग अगर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन है, एन चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे फ्रैक्शनल हो इंटीजर हो उसका गुणा हो जाता है थीटा में, तो यहां लाएंगे तो चूंकि है माइनस में है तो कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, साइन में माइनस आगे आ जाएगा। आप जानते हो आपको इसका रियल पार्ट लेना है, यानी आपको इतना लेना है इतना, कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं, गामा एम बी की पावर एम कॉस एम पाई बाई टू, गामा एम बी की पावर एम, यानी इसका सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन। अगला देखते हैं,
लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। ध्यान रखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। अगर यही 1 माइनस में होता है तो साइन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस होता है तो टैन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी जो x की पावर 6 है सीधे सीधे उसको हम मान लेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan की पावर हो जाएगी 2 by 6 यानी 1 by 3 थीटा, और dx बराबर 1 by 3 आगे आएगा, tan की पावर हो जाएगी माइनस 2 by 3 और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट देखिए 0 पर 0 tan 0 0 इनफाइनाइट, tan इनफाइनाइट कितने मान होता है पाई बाई 2, यानी ये लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। जहां dx लिखा है dx के प्लेस पर इतनी बड़ी गिनती है यानी 1 by 3 tan की पावर माइनस 2 by 3 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, आपने पूरा पूरा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर माने sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 by 3 आगे आ गया 0 टू पाई बाई 2। tan को आप sin बटा cos लिखेंगे तो sin की पावर माइनस 2 by 3 थीटा, और कास ऊपर ले जाएंगे तो कास की पावर हो जाएगा 2 by 3 थीटा d थीटा। ये हो गया। तो वैसे तो और आगे सॉल्व करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि 1 by 3 देख लीजिए 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 मतलब बिना सॉल्व के आप इस ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। लगा देखिए क्योंकि सब में पाई बाय रूट 3 पाई बाय रूट 3 पाई बाय रूट 3 पाई बाय रूट 3 आ ही रहा है, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन सही होगा बिना सॉल्व किए। तो अब इसी तरह हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बीटा गामा फंक्शन के, बाकी और हम लोग इसमें लगाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 टैन की पावर एन थीटा डी थीटा इज, ये है, ये भी क्वेश्चन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 0 टू पाई बाई 2 टैन को पहले हम साइन बटा कॉस करेंगे तो साइन की पावर तो एन होगी लेकिन कॉस की पावर माइनस एन थीटा डी थीटा। अब याद करें एक फार्मूला होता है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा बराबर कितने की, गामा एन प्लस 1 बाई 2 गामा माइनस एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम गामा एन प्लस 2 बाई 2 करके होता है। एन एन कैंसिल 2 2 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया गामा 1 माइनस एन बाई 2 गामा 1 प्लस एन बाई 2 और बाई 2। ऑप्शन आपको दिया गया है पाई बाई 3 सेक एन पाई बाई 2, यानी आपको इसे बनाना पड़ेगा। कैसे सेट करेंगे इसको, गामा 1 1 माइनस एन बाई 2 1 प्लस एन बाई 2 लिखा है इसी में से आप सेट करें, 1 माइनस 1 प्लस एन बाई 2 अगर इसको हम देखें तो ये वैल्यू इतने के बराबर है और 1 प्लस एन बाई 2 बाई 2 देखिए इसमें से जाएगा तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एन बाई 2। याद करें फार्मूला बताया गया है गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर कितने के पाई बाई साइन एन पाई, तो सेम एन के प्लेस पर आपका ये हो गया और वन माइनस एन के प्लेस पर इतना हो गया, यानी ये रिजल्ट आएगा पाई बाई साइन एन, ध्यान रहे एन के प्लेस पर क्या है वन प्लस एन बाई टू, ये तो एन हो गया और आगे आपका पाई, तो कितना हो गया पाई बाई टू। आप इसको अंदर ले आइए तो अंदर ले आएंगे तो पाई बाई टू प्लस एन बाई एन पाई बाई टू और साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी ये कॉस एन पाई बाई टू हो जाएगा और ऊपर जाकर सेक एन पाई बाई टू, यानी आपका सही है पाई बाई टू सेक एन पाई बाई टू, पाई बाई टू सेक एन पाई बाई टू माने की सी ऑप्शन सही है। अगला देखें द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सब दो दो चार चार लाइन के क्वेश्चन है, अब इतना आपको करने ही पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखकर डायरेक्ट कर ले जाएंगे। इसमें इस लॉग वाले टर्म को मानिए, आप देखिए लॉग 1 बाई एक्स को आप टी मानेंगे, जैसे ही टी मानेंगे तो 1 बाई एक्स बराबर हो गया ई की पावर टी, यानी एक्स बराबर ई की पावर माइनस टी, डिफरेंशिएशन करें डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी। लिमिट देखिए जीरो रखेंगे, यहां जीरो रखेंगे इनफाइनाइट आएगा,
और वन रखेंगे लॉग वन जीरो, यानी इनफाइनाइट से जीरो हो जाएगा। एक्स की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स माने इतना, ई की पावर माइनस टी की पावर एन माइनस वन। अब ये तो आपने टी माना है, तो टी की पावर क्या हो गई, एम माइनस वन। डीएक्स डीएक्स तो है माइनस में, ई की पावर माइनस टी डी टी, माइनस से लिमिट पलट जाएगी, ई की पावर माइनस टी और एन, माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया, एम माइनस वन और डी टी। एक बार फिर वही फार्मूला याद करो, गामा एम बटे एन की पावर एम। कौन सा ऑप्शन सही है, गामा एम बटे एन की पावर एम, सब एक के जैसा लग रहा है लेकिन ये आपका सही है, 11 का ए पार्ट। अगला देखें, एक इंटीग्रल लिखा है इज कितने के बराबर है। देखिए यहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माने हम इसी को देखेंगे, और x बराबर क्या रखेंगे, a sin थीटा, या x बराबर रखेंगे a cos थीटा। ध्यान रखिएगा जहां भी कहीं भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a माइनस एक्स स्क्वायर हो, सब में sin या cos के टर्म में मानेंगे, यानी putting x equal to a sin थीटा। तो dx बराबर क्या होगा, dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। लिमिट देखो जीरो पर जीरो और a से कैंसिल, माने पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू। x की पावर 4 माने इतने की पावर 4, साइन की पावर 4 हो गया। इन दोनों में a स्क्वायर बाहर हो गया, तो पावर हाफ माने a बाहर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर माने कास स्क्वायर, पावर 1 बटा 2 माने केवल कास थीटा बचा। आगे dx के स्थान पर a कास थीटा माने स्क्वायर हो गया, कास स्क्वायर हो गया, d थीटा हो गया। मींस a की पावर 6 तो बाहर आ गया। अब यहीं पर देख लेते हैं, वैसे a की पावर 6 इसमें है और इसमें है, यही दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर लिखा हुआ है 4 और कास का है स्क्वायर। अभी अभी पिछले सवाल में जो फार्मूला लगाया हूं वही पहले में वही फार्मूला, तो 4 एक 5 बटा 2, गामा 5 बाई 2, गामा 3 बाई 2 बाई 2, गामा 4 2 6 2 8 बटा 2 माने गामा 4। एक ही गामा 5 बाई 2 खोलिए तो 3 बाई 2 1 बाई 2, गामा हाफ माने रूट पाई, 3 बाई 2 को 1 बाई 2 रूट पाई, और 2 तो है गामा 4 माने फैक्टोरियल 3 माने 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 दुना 4 दुना 8 दुनी 16 दुना 32, रूट पाई रूट पाई पाई, पाई ए की पावर 6 बाई 32, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। ये था अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। देखो 0 टू 1 लिखा है, यानी बना बनाया सवाल है बीटा फंक्शन का। एक्स की पावर याद करें एम माइनस 1 होता है, और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1, संयोग से दोनों 3 बाई 2 लिखा हुआ है। तो आप इसको चाहें तो 0 टू 1 x की पावर 5 बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर भी 5 बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। उस आधार पे ये हो गया बीटा 5 बाई 2 5 बाई 2। अब बीटा का मान गामा के टर्म में आराम से इवेलुएट हो जाएगा, गामा 5 बाई 2 गामा 5 बाई 2 बाई गामा m प्लस n 5 बाई 2 5 बाई 2 माने 10 बाई 2 माने कि 5। गामा 5 बाई 2 खोलिए, यानी 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, यही बात दो बार 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई, और गामा 5 माने फैक्टोरियल 4 माने 4 3 2 एंड 1, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बाकी आपका 3 पाई बाई 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128, 3 पाई बाई 128। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन 13 का ए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है द वैल्यू ऑफ बीटा 1 बाई 2 एंड 2, ये तो भी जो फार्मूला लगाया हूं वही, यानी गामा हाफ गामा 2 और बाई गामा 1 बाई 2 प्लस 2। गामा हाफ का मान रूट पाई, गामा 2 का मान 1। इसको आप देखो 2 दुना 4 एक 5 बटा 2, यानी पहले खोलोगे 3 बाई 2 फिर खोलोगे 1 बाई 2 फिर रूट पाई, और ये इसे कैंसिल हो गया, 2 दुना 4 4 बाई 3 4 बाई 3। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है गामा 1 बाई 7, यहां 7 होना चाहिए, गामा 1 बाई 7 2 बाई 7 3 बाई 7 6 बाई 7 डॉट 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 है बेटा, तो 1 बाई 7 2 बाई 7 और डॉट 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 जो 6 बाई 7 लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1 बाई 7। एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, याद करें गामा 1 बाई एन गामा 2 बाई एन और डॉट डॉट गामा एन माइनस वन बाई एन बराबर क्या होता है 2 पाई 4 ए की पावर एन माइनस वन बाई 2 बाई अंडर रूट एन। तो एन के प्लेस पर बेटा 7 दिखाई पड़ रहा है,
यानी 2 पाई की पावर 7 माइनस 1 माइनस 6, 6 बाई 2 माने की 3 और अंडर रूट 7, 2 दुना 4 दुना 8, 8 पाई क्यूब बाई रूट 7 कौन सा सही है, 8 पाई क्यूब बाई रूट 7 यानी बी सही है। ये था आपका क्वेश्चन।